साथ में आइए, साथ में कमला जी मैम यहाँ पे आइए। पीछे से क्लियर, पीछे से क्लियर, ऑल ऑफ यू मैम राइट साइड। अरे अंकल मैम राइट साइड, मैम यहाँ, मैम यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैम डिस कैमरा, यहाँ कंगना जी डिस कैमरा, कंगना जी सोलो, कंगना सोलो सोलो, नहीं नहीं इधर इधर सोलो सोलो, इधर इधर मैम सोलो 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 ना, नहीं क्या बोलना है, नहीं इधर दस्सी पाजी, दस्सी पाजी, दस्सी पाजी यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इधर इधर पहले कैमरा And I don't think so anyone else could have played the role of a mother as beautiful as her, getting the insights jo could have not come if you have not lived and seen that. The new Hathrob, Jesse Gill, who is just himself in the film. Us innocence of Jesse is really nice, and he has really supported me to get me the vision out there. And then we have the little boy Yagya, who doesn't like to be called a child actor, but he is cheese ko. But his name is Adi. Yeah. हाँ जी, सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। द फिल्म टचेस द हार्ट। मेरा सवाल आपसे ये है कंगना, पहले तो आपसे सवाल ये है कि क्या आप इस फिल्म को ढूंढ रही थी या इस फिल्म ने आपको ढूंढा? बिकॉज द फिल्म इज पंगा एंड यू हैव मेड योर ओन वे, एंड आपने भी पंगे बहुत लिए हैं इस यहाँ तक आने के लिए। सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? आई थिंक इस फिल्म ने मुझे ढूंढा कहीं ना कहीं, जब आपकी पर्सनैलिटी उससे रेजोनेट करती है। मेरा संघर्ष सबके सामने बहुत ही इज लाइक एन ओपन बुक, और मैं भी काफ़ी बात करती रहती हूँ अपने संघर्ष के बारे में कि मैं कैसे इस मुकाम तक पहुँची हूँ, और उसके साथ में ही आई ऑलवेज कीप चैलेंजिंग द यू नो स्टेटस को, एंड उसके करके आई थिंक कहीं ना कहीं अश्विनी जी ने देखा होगा ये मेरा तेवर। बट आई पर्सनली फील इट इज़ अ स्टोरी दैट इज़ वेरी क्लोज टू अश्विनी मैम, एंड आई फील दैट ये इन्हीं की कहानी है। कबड्डी तो इन्होंने उसमें डाला है बिकॉज ये एक तरह का एक फिल्म के लिए डिवाइस है कबड्डी। इट कैन बी, इट्स अ मेटाफोर फॉर एनी ड्रीम। ज़रूरी नहीं है आप कबड्डी खेले जिंदगी में, स्पोर्ट्स ही करें कोई भी। एक वुमन आफ्टर प्रेगनेंसी, इट शी फाइंड्स इट वेरी हार्ड टू बाउंस बैक, और अलॉन्ग विद रिस्पेक्ट आई थिंक कहीं ना कहीं कोऑपरेशन हमें पूरे समाज का चाहिए होता है। तो आई थिंक ये जब मैंने ये कहानी सुनी तो मैं भी एक्चुअली रो दी थी, क्योंकि मैंने इतना बारीकी में इस बारे में कभी नहीं सोचा कि एक मदर को क्या फील होता होगा। तो ये इन्हीं की कहानी, मैं तो इनको कहती हूँ तुम्हारी बायोपिक है ये। कंगना जी, हेलो हेलो कंगना जी, नमस्कार। रेखा खान, नवभारत टाइम्स से। हाय रेखा जी। जी, सबसे पहले मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहूँगी। बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला ट्रेलर है, और फिल्म में हमने देखा कि एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात है। इन दिनों हम देख रहे हैं कि एक वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक ट्रेंड है, या एक हवा है, या एक कहें कि एक बहुत ही पहल चल पड़ी है। बहुत अलग अलग तरह से लोग वुमेन एम्पावरमेंट को परिभाषित करते हैं। आप खुद एक सेल्फ मेड अभिनेत्री हैं, आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन क्या है? आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन हर एक की अपनी अलग होती है। कुछ लड़कियों को लगता है, मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लड़कियों के भी ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कोट्स पढ़ती हूँ, ऐसी बातें सुनती हूँ कि हम क्यों डिज़र्व करते हैं हीरोज़, यू नो दे गेट यू सो मच ओपनिंग, दे गेट यू दिस एंड दैट, तो ऑब्वियसली वो हमसे ज़्यादा पैसा डिज़र्व करते हैं। एक लड़की की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। सो इफ़ यू डोंट फील एम्पावर्ड, नोबडी कैन मेक यू फील एम्पावर्ड। तो हमेशा हर एक की अपनी डेफिनेशन होती है। यू हैव टू फील लाइक एन इक्वल। आपको खुद लगना चाहिए कि मुझ में कोई कमी नहीं है, मुझे भी भगवान ने पेनक्रियाज, किडनीज, हार्ट, आई सब दिया हुआ है। अगर यू नो नहीं भी मुझ में फिजिकली कोई कमी भी होती, तो मैं किसी तरह से मेरे सेंस में एज ए ह्यूमन बीइंग कोई कमी नहीं है। दैट शुड बी योर फीलिंग, देन ओनली यू कैन बी एम्पावर्ड। अगर आप खुद एम्पावर्ड फील नहीं करते हैं, तो कोई फिल्म, कोई कोट,
कोई भी आपको कोर्स इम्पावर्ड फील नहीं करा सकता है. सो ऑल आई वॉन्ट टू टेल द वुमेन दैट लुक इन टू द मिरर एंड क्या कमी है आप में, क्यों हम लोग इम्पावर्ड फील नहीं करते हैं. आई थिंक आधे से ज़्यादा बैटल तो वहीं लूज़ हो जाता है जब आपको लगता है कि आप डिज़र्व नहीं करते हैं. तो आई जस्ट फील यू आर एज इम्पावर्ड एज यू थिंक यू आर. कंगना जी, आप फीमेल सिक्योरिटी. सेकंड, आई जस्ट वांट टू इनवाइट शंकर एंड लॉय प्लीज, हु हैज डन द म्यूजिक. अश्विनी जी, रेखा खान आपसे सवाल है. आपकी पिछली, कैसे हो आप? बस मैं अच्छी हूँ. आपकी पिछली दो फिल्में भी बहुत कमाल की रही हैं और उसको मतलब अवार्ड्स वगैरह भी काफ़ी मिले हैं और क्रिटिक अप्रिसिएशन भी बहुत मिला, दर्शकों ने भी बहुत सराहा. ये भी एक स्लाइस ऑफ लाइफ और उसी तरह की लग रही है. तो किस तरह से इस फिल्म को आप कैसे देख रही हैं, दर्शकों के नज़रिए से, पुरस्कार के नज़रिए से, और एज अ क्रिएटिव पर्सन आप कितनी सेटिस्फाइड हैं? दर्शकों की नज़रों से तो मैं पिक्चरें ऐसी बनाना चाहती हूँ जो सिर्फ पिक्चर ही ना रहे, सिर्फ एक फिल्म ना रहे, पर वो आर्काइवल हो जाए. आई ऑलवेज फील दैट व्हाटएवर फिल्म्स आई मेक शुड बी मेड फॉर दी आर्काइव्स. कि भले ही 5-6 फिल्मों के बाद मैं रिटायर करूँ या मैं 100 साल की हो जाऊँ या मैं जिंदा ऊपर चली जाऊँ, फिर भी लोगों को मेरी पिक्चर याद रहनी चाहिए. अवार्ड्स का मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये है कि मेरी अवार्ड सबसे अच्छी होती है जब ऑडियंस को अच्छी लगती है, जब मुझे मैसेजेस आते हैं कि उनको बहुत छू लिया किसी मेरी स्टोरीज ने. सो इट्स ऑल अबाउट दैट. कंगना, टुवर्ड्स योर लेफ्ट हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम. द ट्रेलर इज रियली गुड एंड इंस्पायरिंग. कंगना, मेरा सवाल आपसे है कि ये जो है एक कहीं ना कहीं आप एक कबड्डी प्लेयर जो है वो प्ले कर रही हैं और आपके मेरे ख्याल से फर्स्ट स्पोर्ट्स ड्रामा पे फिल्म है जो ये है, तो किस तरीके का फिजिकल एंड मेंटल प्रिपरेशन किया आपने फॉर योर कैरेक्टर? एंड देन आई विल कम टू द सेकंड क्वेश्चन. आई हैव नेवर बीन इनटू स्पोर्ट्स ग्रोइंग अप आल्सो, सो मेरे लिए काफ़ी ये नई चीज़ थी कबड्डी. आई बीन अ साइंस स्टूडेंट और मैं बचपन में भी आई वॉज लॉट इन टू पोएट्री. जब मैं 10-12 साल की थी दैट टाइम आई यूज टू रीड हरिवंश राय बच्चन एंड मुंशी प्रेमचंद एंड ऑल दैट. सो आई हैव नेवर बीन अ स्पोर्टी किड, बट बिकॉज आई हैव डन सो मैनी एक्शन कैरेक्टर्स, यू नो, आई हैव डन लाइक अ प्लेड अ सुपर वूमन, आई प्लेड अ वॉरियर, सो दैट हेल्प मी अ लॉट बिकॉज एसेंशियली इट्स अ वेरी फिजिकली ड्रेनिंग रोल. बट लाइक एनी अदर कैरेक्टर, यू नो, आई हैड टू लर्न कबड्डी and I had to understand her mother's world and, you know, what her responsibilities are, what her perspective is. Kangna, the second question is, you have always been vocal about whatsoever has been asked. So, ek cheez main aapse puchna chahungi, haal hi mein jo Forbes list hai, usko lekar ke bhi jo aapki sister hai, wo kaafi nasaaz na khush lagi mujhe. तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अबाउट द रैंकिंग? आई थिंक सबसे पहले तो आई थिंक ये जो इस तरह से एक किसी का भी नाम लेके और किसी के भी मतलब पर्सनल, चाहे वो इनकम हो या मेरी पर्सनल लाइफ, उस पर कमेंट करना विदाउट एनी रिलायबल सोर्सेज इज़ नॉट गुड. आई डोंट थिंक इट इज़ गुड. इफ़ दे वांट टू, आई थिंक, मेक अ लिस्ट, दे मस्ट मेक अ लिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड हाउ मच टू द सोसाइटी, नॉट हाउ मच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोसाइटी, यू नो. देर शुड नॉट बी रट फॉर दैट. सो आई थिंक वी ऑल हैव टू कॉन्शियसली take responsibility. We always keep thinking ke why celebrities are not setting new standards, but even journalism should take responsibility of how we can make this society where people think about contributing to the society and not extracting from it. Kangna ji, aapke right mein, hi. Kangna ji, you know, aise aur kaun kaun se aapke sapne hain jiske liye aapko aapki society se and aapki Hindi film industry se aur bhi panga lena hai aur apne us sapne ko pura karna hai? वेल, आई थिंक जब मैं फिल्मों में आई थी तो मुझे उस टाइम पे जो फिल्म की हीरोइनों की जो कंडीशन थी वो देख के काफ़ी बुरा लगा, बिकॉज आई नेवर वुड वॉन्ट टू फील के समबडी हैज़ टू डिसाइड एंड डिक्लेयर माई डेस्टिनी. हम लोग लड़कियाँ जो हैं लड़कों के ही जितना संघर्ष करते हैं, लेकिन उनको वही 29-30 साल की उम्र में
एक वो सस्पेंडेड लेटर दे दिया जाता है दैट यू नो दिस प्रोफेशन इज़ नॉट वेरी काइंड टू द फाइन लाइन्स इन योर फेस यू नो इट रिंकल्स आर फ्राउंड अपॉन ग्रे हेयर is frowned upon. Your growth of your intellectual growth or your personal growth as a woman is frowned upon. तो ये देख के मुझे काफ़ी frightening लगा कि I will also get a suspension letter at the age of 28-29. So I want to quit, but on my own. I do not want anybody to decide my destiny. So I have been actively made a place in films for me where my wrinkles will not be frowned upon and I can have a dignified career even when I am, you know, I can work and not by injecting myself or pulling myself with threads, you know, I can simply work the way a man works. At the same time, I also would want to be in a profession which is not so identified with my sex as an individual. Like, you know, I think an actress's job is so identified, but a director's job, a writer's job, a music director's job is not so identified. It's, you know, it could be, you could be a man, woman, young, old, doesn't matter. I like that space. I don't want to be in a place where my sex is a lot more important than my inner world or my intellect or my intelligence. Kangana ji? Yeah. Ashwani ji? जब तक मैं पूछ लेता हूँ तुम्हारा माइक ही नहीं ठीक हो रहा है। अश्विनी जी, मेरा सवाल आपसे है। मेरा नाम नसीम खान, मैं यहाँ पे अब मैं आपकी पिछली फिल्मों की बात करूँ, अगर बरेली की बर्फी की बात करूँ या मैं नीलबटे सन्नाटा की बात करूँ, कहीं ना कहीं मिडिल क्लास जो एक हिंदुस्तान है उसको दिखाने की कोशिश करती हैं और लोग रिलेट भी करते हैं। क्या आप मानती हैं एज अ डायरेक्टर कि अब ये वो वक्त है जहाँ पर मिडिल क्लास कहानियाँ कहा जाना बहुत ज़रूरी है और लोग उसको सराह भी रहे हैं? एक तो ये, और कंगना ने बात चीत के दौरान कहा कि ये आपकी बायोपिक लगती है, मुझे खुद को भी लगता है, आपके अगर सफर को देखा जाए एज अ डायरेक्टर, तो इस पे क्या कहना चाहेंगी आप? मुझे लगता है कि द मिडिल एज, द मिडिल इंडिया, द मिडिल इनकम ग्रुप इंडिया इज द न्यू एज इंडिया। वी आर द वंस, हम लोग की फैमिलीज जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको वो सब नहीं मिला जो हमको देना चाहते थे, और हमको इतना सारा मिल गया कि ज़ाराज और H&M's हमारे ऑनलाइन में आ गया, हमको पिज्ज़ा जब चाहिए थे मिल गया था। तो जब वो सब होता है तो फिर हम लोग को खिचड़ी चाहिए, रात को दाल चावल खाना है हम लोग को, तो हम घूमते पूरी दुनिया पर फिर रात को आके चाहिए कि हमको अपना खिचड़ी तो खा ही लेंगे हम। दिस इज़ द एस्पिरेशन। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी वॉन्टेड टू बी लाइक द वेस्ट, बट नाउ वी जस्ट वॉन्ट टू बी अनअपोलोजेटिकली इंडियन एंड वी हैव नो काम्स अबाउट इट। वी हैव नो काम्स टू से दैट वी आर इंडियंस। एंड जब हम फिल्में बनाते हैं विच इज़ ट्रूली इंडियन एंड दैट गोज़ टू द वर्ल्ड, तो वो हमारी कल्चर देखते हैं, और जितने भी लोग बाहर देखते हैं वो कौन है, वो इंडिया छोड़ के बाहर गए हैं पर उनको अपना देश अभी भी बहुत प्यारा है। तो वो जो कनेक्शन है, इंस्टेड ऑफ एपिंग द वेस्ट, इफ़ वी बी वॉट वी आर एंड इट्स ओके टू शो आर कलर्स, इट्स ओके टू शो आर ओपन डोर्स, इट इज़ ओके टू शो शेयरिंग फूड, इट इज़ ओके, वी डोंट हैव टू फील कि ये हम नहीं दिखा सकते फिल्म में। जैसे कि ये शी वर्क्स इन द रेलवेज एंड ही इज़ एन इंजीनियर, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन सिनेमा वी आर गोइंग टू शो अ रेलवे यार्ड जो हमने कभी लाइफ में नहीं दिखाई है, पूरी सिनेमा में कभी नहीं। यू आर गोइंग टू सी ऑल दैट एंड दैट्स आर कंट्री, एंड वाई शुड वी फील शाय अबाउट टॉकिंग अबाउट आर म्यूजिक, आर कल्चर, आर कैरेक्टर्स। आंसरिंग योर सेकेंड क्वेश्चन, सबको ऐसा लग रहा है बाय द टाइम आई थिंक दिस द फिल्म एंडेड एंड सब लोग ने जब देखी तो बोले कि कहाँ तो तुम्हारी झलक है। जैसे मैंने कहा कि मैं कभी कभी गुस्से में आदि को अरु बोल देती थी, क्योंकि सेम एज ग्रुप है, माय ट्विन किड्स आल्सो आर 9 years old, पर गुस्से में बोलती थी, प्यार से कभी नहीं बोलती थी। बट येस, वेन आई वॉज प्रेगनेंट एंड आफ्टर माई चिल्ड्रन गॉट डिलीवर्ड, I made Nilbatte Sannata, and then after that I wanted to make the Tamil film of Nilbatte Sannata, and that's the time Nitesh told me that you've got an opportunity to make a Tamil film, you are a South Indian, please go ahead and make it. At that point of time Nitesh was doing the last schedule of Dangal and I was shooting Nilbatte Sannata Tamil version. So yes, it's about not who's taking a woman's, मेरे को बहुत बार ऐसा पूछा गया है नीलपटे सन्नाटा के टाइम पे, मेरे को बहुत सारे जर्नलिस्ट ने पूछा था कि अगर आप पूरा टाइम काम करती हो तो होमवर्क कौन कराता है,
आई थिंक वो डेफिनेशन चेंज हो गया अभी. अगर मियाँ बीवी साथ में काम करें, ड्यूअल इनकम वाला जनरेशन है ये, मियाँ बीवी साथ में काम करेंगे तो कोई एक तो होमवर्क ले ही लेगा अपने आप. सो दैट्स व्हाट इट इज. कंगना हियर, आपको बहुत बहुत मुबारक इस ट्रेलर के. बहुत बहुत मुबारक, बहुत इम्प्रेसिव ट्रेलर है. जब जब आप स्क्रीन पे आते हैं, आपकी मासूमियत, आपका वो मिडिल क्लास जो किरदार है वो दिखता है कि हाँ एक माँ इसी तरह से बिहेव करेगी जब बच्चा स्कूल जा रहा होगा कि भैया आराम से चलाना. जैसे मेरे मित्र ने जिक्र किया पंगा, अब कोई ऐसा पंगा जीवन में जो आपको लगता है कि नहीं लेना चाहिए था या भारी पड़ा? आई थिंक मैंने जब भी जिंदगी में पंगे लिए हैं तो मेरी ग्रोथ हुई है. जब मैं बहुत छोटी थी, 15 साल की थी, तो मैंने अपने फादर से पंगा लिया था एंड दैट वाज द मोस्ट स्टूपिड थिंग टू डू एंड दैट लेड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ. मगर एसेंशियली अगर मैंने वो पंगा नहीं लिया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती जहाँ हूँ. सो हर पंगा हैज़ गिवन अ न्यू लैंडमार्क इन माय लाइफ. तो वैसे तो आई वुड नॉट एक्सचेंज वेयर आई एम टुडे फॉर एनीथिंग. कोई भी पंगा चलेगा. कंगना, योर केमिस्ट्री विद जस्सी इज एब्सोल्युटली एंडियरिंग टू वॉच ऑन स्क्रीन. स्लाइटली टुवर्ड्स योर राइट हियर इफ यू कैन सी मी. या ऊपर ऊपर ऊपर. ट्रेलर में एक सीन है जहाँ पर यू किक जस्सी. माय क्वेश्चन इज कितने रीटेक्स लेने पड़े थे उसके लिए? उसके लिए मैंने कुछ जान के भी कुछ रीटेक्स किए थे बिकॉज जस्सी जो है बहुत खुश रहता है और मैंने सोचा इसकी ये बहुत ज़्यादा खुश इंसान है तो इसको थोड़ा सा तो टेंशन दी जाए. बट सेट में बहुत सारे लोगों ने उसको एक्चुअली पूछा और जब ट्रेलर हम सब देख रहे थे सब लोग ने पूछा जस्सी को सच्ची में लगी क्या बहुत. एक्चुअली अश्विनी मैम ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे जब उसको कि जस्सी. बट आज तक किसी ने पूछा नहीं सो यू रियली हैव टू टेल दी टेल योर फ्रेंड्स दैट सच्ची में लगा कि सच्ची में लगा. और वो जो बात में हॉट वाटर का रखा हुआ है वो रियल का रखा हुआ है और जो एक्सप्रेशंस हैं वो सारा वो रियल है क्योंकि वो इतनी जोर से पड़ी थी. और एक नहीं पड़ी, ट्रेलर में दो दिखी हैं, वैसे 15-16 पड़ी थी मेरे. एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वी हैड शॉट दिस आल्सो इन द नाइट. एक्चुअली नींद में थे दोनों. So it was even more difficult. No, please, sir. Not at all. See, I think, especially all the men sitting in the room, I think we all know it. We are the lesser sex, absolutely. I think the future of India rests with women, rests with young girls, and I think that's why these films are really, really important. And I think this is great testimony to women. Thank you, sir. Shankar and Shankar ji has made the music. Shankar Ehsaan Loy has made the music for the film. And personally, for me, till the time the whole album comes out, but personally for me, I feel that we are a little away from what is happening right now in music scene. So we have gone more softer. We have gone back to the olden kind of days of music. So hopefully you guys will like it whenever it comes out. Hi Kangna and hi Ashwini. This is Ravi from ABP News. Yeah. Towards your right. अगर इंडिया की बात करें और स्पोर्ट्स की बात करें तो क्रिकेट के अलावा हम किसी और स्पोर्ट्स को ग्लोरीफाई नहीं करते, ये इतिहास रहा है. बाकी सारे स्पोर्ट्स नेगलेक्टेड रहे हैं. कबड्डी के माध्यम से क्या आप लोगों को लगता है कि वो चीज़ भी उभर के आएगी, उसे हाईलाइट किया जाएगा? हालांकि अब कबड्डी टीवी पे बहुत ज़्यादा लोग देखने लगे हैं और उसकी व्यूअरशिप ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन बाकी सारे स्पोर्ट्स जो हैं हमेशा से नेगलेक्टेड रहे हैं क्योंकि ग्लैमर ज़्यादा क्रिकेट में ही है. तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? I can take it. Yeah. No, I don't think उसमें ज़्यादा ग्लैमर है क्रिकेट में. एक्चुअली वो ब्रिटिश ने इतना ग्लोरीफाई, बिकेम अ सिम्बॉल ऑफ योर स्टेटस. इट बिकेम लाइक इफ यूर पॉश यू प्ले क्रिकेट. अदरवाइज कबड्डी इज मैंशन. हमारे महाभारत में कबड्डी का लेख है जहाँ पर बहुत ज़्यादा राजा महाराजा, द कूलेस्ट डूड्स ऑफ दोज डेज, वन दे यूज टू कैच अप, दे यूज टू प्ले कबड्डी. कबड्डी वॉज द मोस्ट ग्लैमरस स्पॉट एंड ऑल्सो इट वॉज द मोस्ट पॉपुलर स्पॉट बिकॉज आपको कुछ नहीं चाहिए होता, आपको सिर्फ ग्राउंड चाहिए होता है और आपको दो टीम चाहिए होती है.
सो हम लोग कहीं ना कहीं जब हम लोगों से भारतीयता ही दूर चली गई तो जो हमारा था और जो हमारे लिए बहुत करीब था बहुत वो था तो सभी हमसे छिन गया. बट ये टाइम है फिर से रिवाइव करने का. जो स्पोर्ट्स हमारे विलेजेस में भी जितनी कबड्डी फेमस है और जितना आई थिंक इट्स अ वेरी एंगेजिंग स्पोर्ट एंड वेरी अ स्पोर्ट वेयर यू नो यू आर एब्सोल्युटली इन्वॉल्वड. सो आई थिंक इट्स ऑल्सो जस्ट टू ऐड टू योर पॉइंट एक्चुअली हम सब ने कबड्डी स्कूल में खेला है. वी ऑल इन आर ओन वर्ल्ड हैज प्लेड कबड्डी वेदर इट वॉज अ स्पोर्ट पकड़ा पकड़ी कबड्डी लगोरी ऑल दीज गेम्स वर देयर. एंड इवन टुडे विच आई डोंट नो अबाउट बट इवन टुडे कबड्डी इज प्लेड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स लाइक विमेन इन साड़ीज. इफ यू गो ऑन टू यूट्यूब आप देखोगे लाइक विमेन इन साड़ीज आर प्लेइंग कबड्डी. So you like she said you don't need anything much, you just need the strength and the valor and it's also a very team game. Aap ek ko ek ke sath ek ke piche bhag rahe ho aur aapko chahiye ki wo jeete. And somewhere it is related to our film also. एक सवाल छोटा सा और था कि आजकल जो देश में माहौल चल रहा है और भारतीय नागरिकता कानून में जो संशोधन हुआ है उसे लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ है और बॉलीवुड के कई सितारे भी सामने आए हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है और इसे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बताया है. कंगना आपकी क्या राय है बतौर सिटीजन और बतौर एक्टर? वेल मेरी राय तो इतनी लंबी चौड़ी है कि यहाँ पे सुबह हो जाएगी बट आई ट्राई टू से समथिंग विच इज नॉट ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द इवेंट. आई थिंक जब भी आप किसी चीज़ का प्रदर्शन करते हैं तो सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि आप वायलेंस को ना आई थिंक हम लोगों की जो पॉपुलेशन है पूरा सिर्फ 3-4% लोग टैक्स देते हैं बाकी उसी टैक्स के भरोसे रहते हैं. तो व्हाट गिव्स यू द राइट टू बर्न बसेज एंड ट्रेन्स एंड टू क्रिएट रकस इन द कंट्री दैट शुड बी लुक्ड इनटू. क्योंकि एक बस 70-80-90 लाख की होती है ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है. और जो देश की हालत है जितने लोग भूखमरी से मर रहे हैं एंड जितना लोग मेल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं इट्स नॉट वेरी रीजनेबल फॉर पीपल टू यू नो डू इंडल्ज इन वायलेंस. एंड व्हेन आई फील दैट डेमोक्रेसी के नाम पे वी आर स्टिल व्हाट आई दिस इज माय वेरी पर्सनल ओपिनियन वी आर स्टिल हंग ऑन टू प्री इंडिपेंडेंस एरा. जब हमारा देश परतंत्र था तो उस वक्त पे जो लोगों ने हमें कैप्चर किया हुआ था चाहे वो आर्म्स के भरोसे या ज़बरदस्ती तो उनके खिलाफ इस तरह की स्ट्राइक्स पे जाना देश को बंद करा देना या टैक्स नहीं देना ये सब बड़े कूल चीज़ें होती थी. मगर आज जो एक डेमोक्रेसी ने कोई आपका जो लीडर आए हैं कोई इटली से या जापान से तो आए नहीं हुए हैं आप ही के बीच के इंसान हैं जो छोटे से छोटे जगह से उठ के अपने दम पे अभी मी बीइंग कंगना रनौत यू कैन नॉट से क्या एक फिल्म आपकी गलती से चल सकती है दो फिल्में मगर आप 10-15 साल सस्टेन कर रहे हो यू हैव टू गिव मी दिस मच के आई एम हियर ऑन माय ओन मेरिट. तो वो डेमोक्रेसी नहीं है कि जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिख के जो बता के जिन शर्तों पर उन्होंने सत्ता पाई है अगर वो उसको पूरा कर रहे हैं तो क्या वो डेमोक्रेसी नहीं है. तो ये नहीं होता यू कांट बी अ सोर लूजर. So like I said there is a lot to say but it's better we don't drift into a different direction and we stay where we are. Jesse here at your left my question to you is ki aap jo ek trailer mein aap ek aam aadmi ki bhumika nibha rahe hain lekin wo apni wife ko promote kar rahe hain aage badhne ke liye wo kar rahe hain जो जो आजकल के हस्बैंड्स हैं या जो आजकल का एरा है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एंड व्हाट मेड यू से अ यस टू दिस फिल्म आफ्टर हैप्पी फिर भाग जाएगी. सो मैं बताना चाहूँगा कि ये स्टोरी जिस फैमिली से मैं आता हूँ वहाँ की है. मतलब मैक्सिमम जितने हमारे पंजाब में जितनी फैमिलीज हैं क्योंकि पंजाब में खास करके ऐसा होता है कि एक जाना घर पर कमाने वाला होता है बाकी सब खाने वाले होते हैं. जैसे जो फार्मर्स हैं उनके खास करके ऐसा रहता है तो उनकी स्टोरी है. तो मुझे बहुत सारी चीज जगह पे ऐसा लगा कि ये यहाँ पे मेरी मॉम की बात हो रही है ये उसकी बात हो रही है. तो ये फिल्म बहुत ख़ास है मेरे लिए. मेरी दूसरी फिल्म थी वैसे पहले हैप्पी आई थी और जब मुझे बताई गई कि ये स्टोरी है पहले तो मुझे अश्विनी मैम के लिए बताया गया तो अश्विनी मैम का मुझे पता था तो बट जब मुझे स्टोरी का पता चला तो मुझे लगा कि ये स्टोरी ऐसी है जिसमें एक अपनापन है. जो चीज़ मुझे लगता है कि मैं जिस चीज़ से आया हूँ जहाँ से आया हूँ जहाँ की ये स्टोरी है मैं शायद इसमें अपना 100% दे सकता हूँ. तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से मैंने ये फिल्म की और मैं बहुत खुश हूँ और थैंक्स टू अश्विनी मैम सर और सबका जिन्होंने मुझे इस फिल्म में सपोर्ट किया काम करने के लिए. अश्विनी हाय. कंगना जी जस्ट आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग ओके बिकॉज़ दिस इज द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड टू मी.
During the course of the film, sabko story pata hai. During the course of the film, the first person who actually said something which really touched my heart was my editor. Ballu ji, aap ho kidhar? Ballu ji ne bola, Ashwini ji, aapne ye kya kar diya? Abhi mujhe meri biwi ko face karna padega. Aur main bolne wala hu, yaar tu ja kaam pe wapas. Wo, she was a CA? CS. और अभी अब बोलूंगा तो बहुत गाली खाऊंगा. अब वो बोल रही कि अब मैं अपनी मर्जी से करूंगी, तुम जब बोलना था तब तो तुमने अलाउ नहीं किया मुझे, यू नो. सो द ही इज अ पार्ट ऑफ अस, बट स्टिल थिंग्स चेंज. माय म्यूजिक माय बैकग्राउंड स्कोर डायरेक्टर, ही इज नॉट हियर, संचित सेड दैट अश्विनी जी, दिस इज माई मॉम स्टोरी. आई जस्ट सी कीप सींग माई मॉम इन कंगना जी इज बिकॉज शी ऑल्सो वॉज फ्रॉम पंजाब एंड शी ऑल्सो मूव टू कैनेडा, यू नो, सो आई कुडंट डू एनी थिंग एंड टूडे वेन आई सी योर आई फील वेरी बैड. सो माई मार्केटिंग पर्सन अनूप आर यू हियर? या अनूप टोल्ड मी दैट ही सीज हिज मदर. सो बेसिकली for a son, he sees their mother. For a husband who is like just working, wants to make sure that they have co-parenting now. Yeah, there's a lot more. I can't reveal everything right now, so you have to wait and watch the film. But yeah, this it's happening. Yeah, it's happening. Kangana ji, आपके right में, you know, ऐसे industry में तो आपने जिससे भी पंगा लिया, ऐसे दिल खोलकर पंगा लिया, so ऐसे कोई memorable पंगा जो आपको पूरी life भर याद रहेगा कि हाँ, इनसे पंगा लेना काफी मेमोरेबल रहा मेरे लिए. मेमोरेबल पंगा पंगा अच्छा हुक लाइन है गाने के लिए. अच्छा हुक लाइन है गाने के लिए. वेल, आई थिंक सबसे ज्यादा मजा तो मुझे इंडस्ट्री के ही लोगों से पंगा लेके आया. वो आपको पता है वो कितने चार्मिंग हैं सबके सब, कितने अच्छे से पीछे से जाके वार करते हैं. सामने तो कुछ नहीं कहते, सामने गले लगाते हैं, आपको किस करते हैं और पीछे से जाके आपके लिए प्लॉटिंग प्लानिंग करते हैं. तो आपको पता नहीं कहाँ से कब किसके जरिए पड़ेगी, तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट ऑल द टाइम. तो आई थिंक वही सबसे ज़्यादा मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है. अश्विनी जी, एक आपके राइट में मैं ही, सिनेमाघरों में एक साथ में फिल्म आने वाली है स्ट्रीट डांसर एंड आपकी पंगा, सो पंगा होने वाला है. सो आप बताइए, आप लोग इस पंगे के लिए कितना रेडी हैं? श्रद्धा, हाँ, मेरी मतलब शी इज़ रियली क्लोज टू मी, शी इज़ ऑलमोस्ट लाइक आर डॉटर. अब भी नितेश की फिल्म में उसने काम किया, शी इज़ अ फ्रेंड. वरुण इज़ अ रियली डियर फ्रेंड. आई थिंक इस जमाने में वी कांट कम्पीट विथ ईच अदर, वी ऑल आर को एग्जिस्टिंग. और हम सबको, सबकी फिल्मों के लिए वी जस्ट हैव टू प्रे एंड मेक श्योर दैट आर इंडस्ट्री फंक्शन. सो ऑल फिल्म्स हैव टू डू वेल, नहीं तो बॉक्स ऑफिस नहीं चलेगी तो प्रोड्यूसर्स कहाँ से आएंगे हमारे लिए. सो एवरी फिल्म हैज़ टू डू वेल. एंड जितने थिएटर्स है हमारे, अगर कोई और ज़्यादा थिएटर्स बन जाए हमारे देश में तो बहुत अच्छा होगा, चाइना की तरह विजय. ताकि हर फिल्म एक नई सिंगल रिलीज मिले. अब वो जमाना गया, अब सिंगल रिलीज का कोई मौका नहीं है. पर जब दो फिल्में साथ में आती है तो वी शुड जस्ट एनकरेज एंड रिजॉइस ईच अदर्स फिल्म्स. अश्विनी जी, आपका टेक दोनों फिल्में? आई थिंक आई एम ऑनेस्टली आई एम जस्ट वेरी हैप्पी दैट देर आर बोथ नॉट ऑफ द सेम नेचर. कई बार जो दो फिल्में होती हैं वो एक जैसी ही होती हैं, चाहे उनकी जो टारगेट ऑडियंस होती है, कहानी अलग हो लेकिन उनकी टारगेट ऑडियंस अलग नहीं होती. लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है. स्ट्रीट डांसर की टारगेट ऑडियंस अलग है और हमारी अलग है. सो विच इज़ अ काइंड ऑफ अ रिलीफ. आई वुड लव टू हैव अ सोलो रिलीज टू बी ऑनेस्ट, मगर लाइक अश्विनी जी सेड, दिस इज़ नाउ अ फार फेच्ड ड्रीम. अश्विनी हाय, दिस इज़ टू ईयर राइट विद यू. सो आई वंडर विद रिगार्ड्स टू द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर जसी गिल, इज देयर अ बिट ऑफ मिस्टर नितेश तिवारी इन हिम एज वेल? नो. Why would that? It's a very personal question, but unfortunately, no. I think he's a very quiet person. All of you know him. He's pretty quiet and reserved, and there are no surprises in our lives. But in terms of support, in terms of my face is glowing right now. So, in terms of support, in terms of the silent push which we always need, he is not here today. The reason he's not here today is because he said that, you know, the moment I come and sit there in the audience, the camera will shift towards that. Is because this is the kind of society we live in. So, you please enjoy that whole thing, and I'm not going to be there. I'll meet you in the night. And it's important that we as journalists and we as media people really push more and more women and
your family, your wives, your daughters, and also people like us is because I'm because of y'all. And if I'm always termed as some so-and-so's wife, who made a film, I made the best film last year, 2 years back, and I was still called as Nitesh Tiwari's wife. If you guys change that, everything else will change. So it comes from you all. And then I do not have to keep saying, you know what, I am an individual. Can my name just be the way I am? So yes, it's all about you. And if you give all of you all together, from the time you just don't become someone's daughter, someone's wife, Mrs. Q, I think things will change, you know. I'll just give you a simple example. Day before yesterday, we had to go and change our electricity bill. Name on an electricity bill. So Nitesh had gone, he had taken my sign and everything. And she said, oh, madam ne change nahi kiya surname. So he said, nahi kiya. So, you know, these are the things which sometimes troubles me, but it's fine. Everyone else, we all are, I'm sure there are a lot of women mothers out here and they all feel the same. So it's okay. इस फिल्म में रिचा चड्ढा भी है और आप दोनों ऐसी पर्सनालिटी हो जो इंडस्ट्री में ऑनेस्ट ओपिनियंस के लिए जाने जाते हैं तो आप दोनों कितने बॉन्ड किए सेट पे और किस तरह से ऑनेस्ट ओपिनियंस इंडस्ट्री के बारे में आपने बताया एक दूसरे को देखिए हर एक इंसान सबके साथ एक तो होता नहीं है यू नो लाइक यू आर डिफरेंट व्हेन यू आर हैविंग अ डिनर विद योर फैमिली विद योर मदर विद योर सिस्टर विद योर नेफ्यू हर एक के लिए एक अलग आई थिंक इंसान को भाव प्रदर्शन करना पड़ता है तो यस वी हैव डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियंस बट हम लोग जाते ही सबसे पहले ये नहीं तुम अपना ओपिनियन बताओ मैं अपना बताती हूँ वी डोंट वर्क लाइक दैट यू नो इट्स ओके शी हैज़ डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियन वी हैव सो मच मोर टू टॉक अबाउट वी यूज टू टॉक अबाउट डायट्स वी यूज टू टॉक अबाउट टीज एंड वी यूज टू टॉक अबाउट एंड वी यूज टू हैव ग्रेट टाइम नोइंग दैट the other person definitely doesn't agree with the same ideologies which is fine I mean I people don't have to be alike like I said why we should not have opposition we must have people opposing our beliefs our ideologies that is the only way to grow and it is a very healthy balance but the problem is only when like I said you know when people start to be nasty troll or to start to be get violent that is the only problem Kangana ji, your center. Kangana ji, your center. Rahul here from the Filmi Charcha. So we will take a question for Shankar sir. Yeah, this way. Shankar ji, आपका music अभी सुनाई नहीं दिया, लेकिन इसका music तैयार करने के लिए कितने पंगे लेने पड़े आपको? अश्विनी जी के साथ it's our first film that we are doing. तो बहुत मजा आया and of course with Kangana it's the second film after Manikarnika and we had a great time and you know each and every song. You know, for a change, I think getting directors and you know actors like this in the film, हम लोगों का advantage ये हो जाता है कि we are allowed to make original songs. हम लोगों को अपना composition अपने film में डालने का एक मौका मिल रहा है, which is you know nowadays very rare. You just see only songs that are remixed and they are put in. Every film has got a song which is remixed and put. क्यों? हम लोग मतलब there are so many talented composers. उनको मौका दिया जाता है तो थैंक यू वेरी मच थैंक यू विजय एंड थैंक यू द एंटायर फॉक्स टीम फॉर अलाउिंग अस टू कंपोज ओरिजिनल म्यूजिक और अश्विनी जो है शी इज अ लवर ऑफ म्यूजिक शी लव्स इंडियन फ्लेवर सो हम लोगों ने एक बहुत ही इंडियन सोल को रखा है एंड वी कैप्ट द म्यूजिक वेरी सिंपल बट एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ हार्ट एंड सोल इनटू इट आपका हमेशा डायरेक्टरों के साथ है ना खट्टा मीठा रिश्ता रहा है तो लाइक जैसे मणिकर्णिका में खट्टा रिश्ता था अश्विनी जी से मीठा रिश्ता है तो डायरेक्टर्स को कैसे डिफाइन करेंगे आप अपने करियर के लिए वेल सी जब एक एक्टर सेट पे जाते हैं तो उनके सबसे बड़ी सपना यही होता है कि मेरे डायरेक्टर को सबसे ज़्यादा क्लैरिटी हो एंड माई डायरेक्टर शुड शाइन द मोस्ट एंड माई डायरेक्टर शुड डिलीवर द फिल्म ऑफ द ईयर एंड they should get everything that they can ye aapka sapna hota hai lekin ab koi agar film chhod ke chale jaye usko anath hi kar jaye to definitely you know I am not somebody jo ki maidan se peeth dikha ke nikal jaye you know na so I take the charge but at the same time I have to say that with ashwini ma'am and you know working with a woman director one thing is and vijay sir will also agree with me rucha will also agree with me ki she is so organized She's so competent. She's so organized. It is a dream of any actor. Trust me, no actor would want to go to the set and
and know that their director is lacking, I can assure you. So it is amazing to be working with directors who give you the film that they promised. She also made me... Kangana ji, your center. Kangana ji. I have to tell you all this one thing because it's a nice, funny story. Because with what happens with her is that so many people keep judging her that maybe kya pata nahi kya kar deti, she sets the set on fire or something. Aisa kuch bhi nahi hota. Please, I have to tell you all very openly as a director, because no one would... everyone just will keep telling her ye karti hai wo karti hai par koi acha bolta hi nahi hai. I have to be the one who has to pioneer this whole thing and tell the good things about her. Okay, so we were shooting in, and I need that little time is because today I really feel that I need to clear out a lot of doubts, and we are going to have behind the scenes for this film. अश्विनी जी, अश्विनी जी, ये भी सुनने में आया था कि आपको कबड्डी खिलाई थी इन्होंने। मैं जाती हूँ और मुझे देखना है कि कंगना क्या कर रही है सेट अपनी वैनिटी में, जैसे कि वैनिटी में बैठती बड़ी हमेशा सोता रहता था, तो इसके वैनिटी में ये जल्दी टाइम पे आ जाएगी और पहले शी विल बी हियरिंग सम स्पिरिचुअल म्यूजिक एंड शी विल बी मेडिटेटिंग और समथिंग। मैं जाके फोरहेड पे किस देती थी रोज सुबह, एक दो दिन शी डिडंट रियलाइज कि क्या हो रहा है, बोला कि कैसी ये सब ठीक है, लाइक फुल मदरली ट्रीटमेंट। एंड आफ्टर 2-3 डेज मेरा सुबह सुबह शॉट होता था तो आई कुडंट गो। सो वन डे शी एक्चुअली टोल्ड हर स्टाफ और समवन, आज अश्विनी आए क्यों नहीं, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली इसका मेरा वर्जन ये है कि आप सो रहे हैं अपने कमरे में और आपका डायरेक्टर जोर जोर से 6 बजे दरवाजा, उठो उठो मेरे पास समोसे हैं। एंड आई एम लाइक हेलो, आई एम नॉट यूज्ड टू दिस, यू नो यू आर कमिंग टू माई रूम, आई एम इन पजामास और सुबह सुबह 6 बजे आपको समोसा खिला के चले जाए। एंड देन ऑन द सेट शी इज किसिंग मी, शी इज सिटिंग इन माय लैप, आई सेड यू प्लीज यू बिहेव योरसेल्फ बिकॉज यू आर अ डायरेक्टर, सो बट यू मेड मी सिट ऑन द लैप, द रीजन बीइंग बिकॉज I'm a little meticulous on my work, so all the short breakdowns were ready. This is one person. See, I'm very used to people being very, you know, like threatened by me or my presence. So I'm used to just walking into a room and everyone. I'm not used to directors coming and kissing me and hugging me and treating me like a kid. So I'm like, oh, okay. So it was nice. It was very. She's, you know, very disarming as a person, but also like, you know, I think that kind of unassuming personality that she has, it just made me feel very comfortable. And at the same time, like, she is, even people calling her and telling her, oh, you are finished, your film is sabotaged, and you have, you know, like, people are calling her and threatening her, and she's coming and hugging me tight, and like, people are saying this, and I'm like, aren't you scared? What is the matter with you? No, but then I see, every relationship is different, and it's like a marriage. आपको किसी के साथ जमता है नहीं जमता है, आप किसी के साथ टिकते हो नहीं टिकते हो तो डिवोर्स हो जाते हैं, फिर आगे जाते हो आप, रिलेशनशिप वो होता है, फ्रेंडशिप में भी वो होता है, फ्रेंड्स नहीं जाते हैं लाइक झगड़े नहीं होते, सो एवरी रिलेशनशिप इज लाइक दैट फॉर मी। सो आई, सो जस्ट कमिंग टू द कॉमिक पार्ट, सो आई यूज टू लाइक, क्योंकि माई शॉर्ट ब्रेक डाउन्स वर रेडी, सो आई ऑलवेज यूज टू बी रेडी एंड आई यूज टू जस्ट टेल दैट द कैमरा इज गोइंग टू बी मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, एंड देन ऑफ कोर्स ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, ही अंडरस्टैंड थिंग्स लाइक रियली वेल एंड द कैमरा इज रियली गुड, एंड आई यूज टू सिट एंड वॉच। So this happened for quite some time till we went to start doing the running scenes and all in the morning. So 5 baje subah sunrise shot aur humne sab prep kar diya, line mark kar diya, mere DOP Jay hai idhar, to sab humne mark kar diya, and then she comes, I said, hey, now you have to just run from here to there. So she says, acha, but how do I run? So I said, वैसे तुम run करते हो, वैसे भी you are a mother, you're just whatever, so run however you want to. Then you have to show me to run. I said, Kangana, don't make me do this. It's at 5 o'clock in the morning. Kangana ji, your center, Rahul here from the Filmi Charcha. Trailer बहुत ही promising है. Congratulations to all of you. Thank you. आपने कहावत सुना होगा कि पंगा लेना कोई खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का. तो आपने आज तक जितने भी पंगे लिए हैं वो आपके फेवर में रहे हैं. तो लोगों के गाइडलाइन के लिए एक सवाल था कि पंगे लेने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए. आई थिंक पंगे लेने से पहले सबसे बड़ी सावधानी यही बरतनी चाहिए कि आप जो भी कहें, आप जो भी कहें, आप जो है गलत हो चाहे ठीक हो, पर अगर आप सच कहें, क्योंकि सब बातें फिर, मतलब जैसे कहते हैं रायता तो फैलने ही वाला है. सो इट्स बेटर दैट यू डू नॉट लाई अबाउट एनी थिंग, दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉर मैं, और मैं आपको कह रही हूँ कि पीपल आर वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ हु एवर यू आर, बट वन थिंग दे डोंट एक्सेप्ट इज अ लायर, यू नो. सो आई थिंक हु एवर यू आर, आई हैव ऑलवेज बीन ओपन एंड आई हैव ऑलवेज बीन वेरी क्लियर दैट यू नो, बट आई हैव नेवर एवर यू नो सेट थिंग्स विच आई डोंट मीन,
वही एक उसी को लेके चलो, उसी को पकड़ के चलो. एंड देन आई थिंक जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि सच को प्रूव होने में टाइम लगता है मगर सच को छुपाया नहीं जा सकता. शंकर सर, ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन प्लीज. ओके गाइस 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 लेट्स, वी गोना टेक टू मोर क्वेश्चंस. सो कैन आई, हां ओके, सो कैन वी जस्ट, हां अश्विनी जी एक मिनट, वी आर टेकिंग फॉर शंकर सर. एक सवाल आपसे है मेरा कि आज देख रहे हैं जो भी म्यूजिक डायरेक्टर्स वगैरह हैं, सिर्फ जिनके नाम हैं उन्हें लिरिसिस्ट को अपने साथ काम करने का मौका दे रहे हैं, जिनके नाम हैं जो नए लिरिसिस्ट इंडस्ट्री में निकल के आ रहे हैं उनके सॉन्ग्स को खुद राइटर मतलब पिक्चर से हटवा रहे हैं, क्या कोई टैलेंटेड लिरिसिस्ट आपके पास आए तो क्या आप उसको चांस देंगे अगर उसके पास रियल में कोई अच्छी चीज़ है तो? 100% हम लोग देंगे, देते ही हैं और देते रहेंगे. सर एक बंदा है आपको 3 साल से कॉल कर रहा है. अच्छा आप हो, चलो सर अगले प्रोजेक्ट में देख लेंगे. कंगना जी ओके, आपकी आपकी मीटिंग करवाएंगे बाद में. ओके कंगना जी, आखिरी सवाल है मेरा आपके राइट में. ओके कैन आई जस्ट, अश्विनी जी मेरा सवाल आपसे. ओके गाइस लास्ट 3 क्वेश्चंस एंड आई एम गोइंग टू बी, हैंग ऑन आई एम गोइंग टू डिसाइड गाइस. सो द लेडी देयर, कंगना जी आखिरी मेरी तरफ से आखिरी सवाल है कि यू नो रिलेशनशिप से. एक मिनट भैया. अश्विनी जी सवाल आपसे है, आप और नीतीश जी दोनों ही देसी फिल्में बनाते हैं, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत फिल्म दोनों ने बनाई, तो जो आप लोगों का मेल है, आप दक्षिण को बिलोंग करती हैं और वो नॉर्थ को बिलोंग करते हैं, आपकी तीनों फिल्में नॉर्थ की हैं, तो कितना हेल्प उनसे आपको मिला और आपका कितना, क्योंकि क्योंकि दोनों एक देश के अलग अलग कोने हैं, तो आपकी आपका टैलेंट उनको कितना हेल्प करता है और आपका जैसे दो डॉक्टर्स घर पे रहते तो सर्जरी के बारे में तो बात करते ही है ना, तो बस हमारा भी वही है. हम दो डायरेक्टर्स हैं घर पे, पर हम ऑफ कोर्स क्रिएटिविटी के बारे में बात करते हैं. मेरी टैलेंट आर्ट डायरेक्शन में बहुत है, उनकी टैलेंट राइटिंग में है. हमारा डायरेक्शन बहुत अलग है, हमारा जो एंड पॉइंट है वो सेम है, पर जो जिस तरह से हम डायरेक्ट करते हैं वो बहुत डिफरेंट है. पर वो भाषा के लेवल पे, क्योंकि वो लिखते भी हैं और आपकी फिल्में भी लिखते, भाषा के लेवल पे प्रॉब्लम नहीं है. मैं हिंदुस्तानी हूँ फर्स्ट, सो आई नो हाउ टू स्पीक हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, मलयालम, ऑल काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस, इवन इंग्लिश. सो गाइस, ऑन दैट टेरिफिक नोट, आई थिंक दिस, कंगना जी विल यू प्लीज, आई एम गोइंग टू टेक द लास्ट क्वेश्चन नाउ, बट गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस. Okay, the last. We'll take 2 questions. Okay, कंगना जी मेरा एक आखिरी सवाल है. You know, हम ऐसा माने कि 2020 में ऐसे आप शादी का पंगा लेने वाली हैं? Oh wow. You know, ये जब से मुझे मिली चाहिए कि इसकी शादी हो जाए. मेरी शादी करवाने के चक्कर में है. But honestly, मुझे हमेशा लगा था. सारी मैंने ढूंढ ली है, वेन्यू तैयार कर ली है, बस लड़का ढूंढना बाकी है. How much he embarrasses me, but no, मैं एक्चुअल में मुझे हमेशा लगता था कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड समबडी इन अ मैरिज वेयर यू नो यू कैन हैव अ इक्वल कंपेनियनशिप. बट जब से मैंने अश्विनी जी की मैरिज देखी है तो मुझे बहुत उम्मीद है कि मैरिज लाइक दैट इज़ पॉसिबल. एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ नितेश सर, हाउ ही सपोर्ट्स हर, एंड इनकी जो क्रिएटिव कोलेबोरेशन है, एंड यू नो द वे दे आर टुगेदर, एंड हाउ सपोर्टिंग ही इज ऑफ हर, एंड हाउ यू नो लाइक बींग अ वुमन, बींग अ वर्किंग वुमन, शी इज़ नेवर लॉस्ट द फेमिनिन साइड ऑफ हर, यू नो लाइक द ब्यूटिफुल साइड ऑफ हर, बिकॉज वुमेन आर, वैन यू आर लीडिंग अ क्रू ऑफ 100 पीपल, कहीं ना कहीं आप यू tend to lose the beautiful, gentle side of yours. Hello. क्योंकि लोग तो कितने ढीठ होते हैं, but in her case, she has not. So, big round of applause for her. Kangana, what qualities are you looking, will you be looking, Kangana, okay, this okay. side towards your right, last question. What qualities are you looking into for a husband? Banta hai sawal. I think I need somebody who's more intelligent than me, who's more beautiful than me, and more talented than me. Okay, thank you, thank okay, you guys, thank you. We'll take the photos we're now. Take a photo opportunities. It ended on.
से इनसे तो कोई पूछा ही नहीं था। छोड़ना बिलाल।